हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, भले चंगे होंगे। तो सुबह के बज गए 10:30 और आज इनकी करानी पड़ी है छुट्टी। आप लोग तो जानते ही हैं, कल मैंने बताया था कि एटीएम से हमारे 1500 रुपये खराब निकले हैं। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। 100 रुपये भी इंसान के खराब होते हैं तो बड़ी मेहनत के होते हैं, तो यहाँ तो 1500 रुपये की बात है। और जब एटीएम से ही खराब नोट निकलेंगे तो फिर आगे क्या होगा? तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं नाश्ता वगैरह करके, अभी हम लोग जाएंगे बैंक में, क्योंकि उन्होंने वहाँ के गार्ड ने कहा था ना कि तुम ले आना तो चेंज हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं, पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, वो चेंज करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट नो। लेकिन फिर भी जाके बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 100-200 की बात नहीं है, यहाँ पे 1500 रुपये की है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कौन से नोट है हमारे, आप खुद देखिए। ये हैं 1500 के नोट, ये 2 पीस है और ये इतने मैले हैं, फटे पुराने, ये 2 पीस है, यहाँ से जुड़ा ये यहाँ से, ये नोट आप देख सकते हैं आराम से, ये देखिए ये जुड़ा हुआ नोट है और साथ में ये फटा भी है थोड़ा ये सा। ये देखिएगा, इसके नंबर देखिएगा, ये नंबर कुछ और है और ये नंबर कुछ और है। तो ऐसी सी नोट निकली है हमारे बैंक से, आप लोग देख सकते हैं, एटीएम से निकली है ये नोट। और ये तीनों नोट है खराब, और अभी हम लोग जा रहे हैं एटीएम, और आगे क्या होगा वहाँ चल के ही बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, प्रे कीजिए कि ये चेंज हो जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच ही गए हैं PNB बैंक, बस थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। और पता नहीं क्या होने वाला है, वो बदलते हैं नहीं बदलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं पता है। तो थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये देखिए, हमारा बैंक आ गया है और अब हम लोग इसमें अंदर इंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग, अभी सुबह सुबह का समय है तो भीड़ वगैरह बहुत है, और पैसा हमारा चेंज हो गया है और चल रहे हैं घर। फ्रेंड्स, आप लोग देख चुके हैं, हम लोग गए एटीएम, एटीएम से हम लोग बैंक, अरे एटीएम नहीं, बैंक गए, और बैंक से फिर हम लोग ये फाइनली हमारे ऊपर आनंद सुन लिए गुरु महाराज ने, विष्णु हरि भगवान ने, कि हमारे 1500 रुपये जो है चेंज हो गए हैं। हाँ, तो चेंज हो गए। तो ये चेंज कराने का प्रोसेस बताती हूँ, ये चेंज कैसे हुए हमारे ये नोट। तो हम लोग यहाँ से गए और वहाँ पे जो गार्ड हम लोगों का देखा था ना, हाँ सच्चाई बताना ही पड़ेगा, परसों हम लोग गए थे पैसे निकालने, और वहाँ पे गार्ड से हम लोग बता दिए थे कि हमारे ये 1500 रुपये ख़राब निकले हैं। तो उसने कहा था तुम लोग आ जाना मंडे को। अब उसने कहा गार्ड मिल गया था, वही गार्ड 1500 रुपये लिए, कह रहे कुछ चाय पानी के लिए मुझे दे देना। मैंने ठीक है दे देंगे अंकल जी, आप हमारा काम करवा दीजिएगा। हाँ, तो 50 रुपये फिर हम लोग उसे चाय पानी के दिए, तो 50 गए तो गए, 1500 में से पूरे वापस सही से सलामत तो मिल गए ना, 50 का कोई गम नहीं है, बाकी तो सही है ना, नहीं तो पूरे के पूरे चले जाते। कोई हमारा इतना बड़ा काम करवा रहे, अगर हमने उसे खुशी से 50 रुपये दे भी देते तो कोई बात नहीं थी, कि 1500 रुपये तो हमारे चेंज हो ही गए थे ना, 1500 चेंज हो गए हैं। और एक और तकलीफ़ की थोड़ी सी बात है, क्योंकि आज इनका नुकसान हो गया है, आज इनको छुट्टी लेनी पड़ी इस 1500 रुपये के लिए, नहीं तो इनकी छुट्टी नहीं होती। इन्होंने कहा कि मेरा तो कम है एक दिन का छुट्टी का, लेकिन ये ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इससे अच्छा पहले इसे सही करा लेते हैं, ज़्यादा दिन बाद जाते ना तो फिर ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को देखा कीजिए। मंजू श्रीवास्तव चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सेकंड चैनल को हमारे, तो मंजू श्रीवास्तव पे जाके
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो मेरा कुकिंग चैनल है जो मम्मी की फ़ोटो लगी हुई है उस पर, तो उस पर मैं केवल कुकिंग की डालती हूँ। अगर ब्लॉग के साथ आपको देखना है हम लोगों की फैमिली रूटीन डे नाइट, तो आप आराम से कंटिन्यू करते रहिएगा। और अगर हमारा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करना चाहते हैं तो मंजू श्रीवास्तव 151 से है, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो ये पे बाय बाय, अभी बाय बाय करती हूँ। अभी मन थोड़ा अच्छा हो गया है, खैर कल से बहुत ज़्यादा अपसेट था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अभी बाय बाय नहीं करूँगी, अभी थोड़ा बहुत और ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, तो देखते हैं बने। तो फ्रेंड्स, आज मूड तो अभी सही है और कुछ करने का भी मन कर रहा है, तो फिर कर ही लेते हैं। तो शेयरिंग भी करनी थी आप लोगों के साथ ब्लॉग में, मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। तो अभी जो है ये देखिए, रियलिटी बताऊँ मैं, कुकिंग चैनल पे तो मैंने रियलिटी नहीं बताया, मैंने अपनी वॉइस ओवर किया है वहाँ पे, लेकिन आज मम्मी बना रही हैं। वैसे तो मैं बनाती हूँ तो आप हाथ से पहचान सकते हैं कि ये मम्मी का हाथ है। तो आज ये बैगन का भरता बन रहा है, तो मैं तो अभी थोड़ी सी थकान सी फील कर रही हूँ, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है मेरा, थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। तो इसमें मम्मी ने तेल लगा दिया है और अब मम्मी इसको गैस पे रख के भून लेंगी। तो भाई अब आजकल तो लोगों के घर में चूल्हा उल्ला तो होता नहीं है, तो सब कोई ऐसे ही भूनता भानता है, तो हम लोग भी ऐसे ही भून रहे हैं। नहीं तो गाँव का मिट्टी विट्टी का घर होता तो वो जो चूल्हे का भूंजा हुआ बैगन का स्वाद होता है ना, वाह वाह, उसकी तो बात ही अलग है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा बैगन जो है अच्छा सा भून गया है। तो पलटते पलटते आप घुमाते रहिए, सीधा करते रहिए और घुमा फिरा के इसे अच्छे से भून लेना है आपको। और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका से आज जो है बनने वाला है बैगन का भरता। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बैगन हो गया है और अब हम इसमें दूसरा बैगन अपना रख देंगे। इसमें से पानी देखिए निकलने लगा है ना, तो बस ये हो गया है। और ये देखिए आप टच करके इसको दबा दबा के भी देख सकते हैं। तो फाइनली अब मैं इसे चेंज कर देती हूँ। तो दो बैगन लिए थे, काफ़ी है हम चार लोगों के लिए, खाना ही कितना है, चार लोग हैं उसमें भी बच ही जाएगा, तो काफ़ी है। तो मम्मी ने दोनों बैगन भूंज लिया था और फिर ये ऊपर का छिलका वगैरह छीलेंगी। अब गरम गरम है और बहुत ही टेस्टी लगता है भाई बैगन का भरता। और आप लोग भी इस तरह जैसे मैं बना, मतलब मैं नहीं मम्मी बना रही है, तो आप लोग सेम अगर बनाएंगे ना तो कहेंगे वाह क्या बात है। तो इससे पहले एक एक करके अच्छे से छील लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो गरम है, थोड़ा आराम आराम से छीलिएगा इसे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बैगन छिल गया है और अब इसमें आलू आलू दो आलू उबाल के रखे थे, तो दो बैगन में दो आलू डाल दिया है। यहाँ पे मैंने टमाटर काट के ले लिया था, अगर आप चाहिए तो भूंज भी लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों को ना थोड़ा कच्चा सा अच्छा लगता है, तो कच्चे से ही बना रहे हैं। और यहाँ पे एक कोथी, अरे एक प्याज लिया है, ये है 6-7 मिर्ची। तो मिर्ची हम लोग ज़्यादा ही खाते हैं, आप अपने हिसाब से खाइए, कोई बात नहीं है। लहसुन ले लीजिएगा, लहसुन भी बहुत लोग भूंजते हैं भाई। यहाँ पे जो है मैं, दरअसल अभी फ़ोन आने लगा था, यहाँ पे मैं इसमें धनिया भी डाल लूँगी और लहसुन वगैरह मैं कच्चे ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि कच्चे कच्चे का स्वाद अच्छा ही लगता है, कुछ अलग ही टेस्ट आता है। देखो भूंजे का अलग आएगा और कच्चे का अलग आएगा, तो सबका अपना अपना बेहतरीन स्वाद होता है, तो हर तरह से बनाना चाहिए। तो यहाँ पर नमक डाल लिया है और स्वाद अनुसार नमक आप डाल लीजिए, आप इसमें चाहिए नींबू डालिए या खटाई डालिए, आपका जो टेस्ट हो। तो इसमें मम्मी थोड़ा सा सरसों का तेल डाल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगता है बैगन के भरते में सरसों का तेल का स्वाद अलग ही आता है, स्वादिष्ट बनता है। हमारे घर में ये बैगन का भरता बहुत ही सब कोई पसंद करता है, लेकिन मुझे नहीं बनाने आता है ये। तो यहाँ पर मम्मी ने खटाई डाला है, आपके पास खटाई अगर ना हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, खट्टाई होना है, टमाटर पड़ा भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग से जो खट्टाई होता है ना उसका भरते में अलग ही स्वाद आता है। तो मुझे नींबू अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी लोगों को खट्टा खटाई से अच्छा लगता है, तो मम्मी खटाई डाली है। तो बढ़िया से इसे बेहतरीन ढंग से आप पहले पूरा मिक्स कर लीजिएगा, और इसके बाद जब ये सारे मसाले मिल जाएंगे तो फिर वाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त
हमारा भरता बनके तैयार हो गया है। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे कल के ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, जय गुरुदेव।